हेलो दोस्तों, प्राइम एक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है तो किस तरीके से आप वैक्यूम कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छी कूलिंग आप लेकर आ सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो दोस्तों अगर कभी कभी क्या होता है कि बंदे के पास कोई वैक्यूम पंप नहीं होता है लेकिन वो फिर भी मतलब अगर वैक्यूम करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकता है, आज मैं पूरी की पूरी आपको जानकारी दूंगा। मैं आपको आज पूरी की पूरा सिखाऊंगा कि किस तरीके से वैक्यूम किया जाता है बिगर वैक्यूम पंप के। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आपने मेरा चैनल अभी न्यू विजिट किया है तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मेरी वीडियो भी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं। तो ये रहा हमारे पास कंप्रेसर, ये रहा दोस्तों हमारे पास फ्रिज जिसका हम वैक्यूम करेंगे बिगर वैक्यूम पंप के। तो दोस्तों आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आप वैक्यूम करना चाहते हैं बिगर कंप्रेसर के बिगर वैक्यूम पंप के, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, जब आप फिल्टर लगाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमने नया फिल्टर लगाया है, तो नए फिल्टर के साथ साथ आपको एक छोटी सी कैपलरी इस टाइप से आपको लगा लेनी है, इस तरीके से जैसे मैंने लगाई है। जब आप यहां से काटेंगे इसको, नया आप फिल्टर लगाएंगे तो उसके साथ साथ एक छोटी सी कैपलरी आपको लगा लेनी है, और इधर से भी इसका सुराग देख लें आप कि खुला हुआ होना चाहिए, और अंदर भी जो आप सिरा डालें उसका तो वो भी खुला होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों इस कैपलरी का, आप देखेंगे आगे वीडियो में कि क्या इसका यूज है और किस तरीके से वैक्यूम हम करते हैं इसी के द्वारा। तो जब भी आप इसका फिल्टर लगाएं, अगर आपके पास पंप नहीं है तो आप ध्यान रखें कि ये आपका जरूर लगना चाहिए जिससे कि हम वैक्यूम कर सकें। तो उसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं यहां पे आप कैपलरी लगा दें, जिससे कि फ्लैशिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद फाइनल में जब आप वैक्यूम करेंगे तो आपको एक मीटर की जरूरत होगी, जो ये रहा हमारे पास गेज मीटर, जिससे कि हम पता लगाते हैं कि जो हमारा वैक्यूम है वो कितना हो चुका है, हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके बाद ये जो वैक्यूम का हमारे पास मीटर है, तो इसका जो सामने वाला फ्रंट वाला सामने वाला है उसको हम यहां से यहां पर लगाएंगे, इस तरीके से हम यहाँ पे लगाने के बाद हम जब कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से हवा निकलने लगेगी, यहाँ से हवा निकलेगी, तो उसी से हम वैक्यूम करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे सब कुछ काम कर लिया है, गेज मीटर भी हमने लगा दिया है, गेज मीटर ये रहा इससे जिससे कि हम वैक्यूम नापते हैं कि वैक्यूम हमारा हुआ है या नहीं हुआ है, हमने यहाँ पे सब कुछ लगा लिया है, और साथ में हमने यहाँ पे जो कैपलरी थी वो भी हमने लगा ली है। अब हम करते हैं दोस्तों कंप्रेसर को ऑन और देखते हैं किस तरीके से वैक्यूम किया जाता है। तो दोस्तों कंप्रेसर को मैंने कर दिया है ऑन, और यहाँ से इसका जो स्विच है, यहाँ से जो इसका स्विच है वो मैंने कर दिया है यहाँ से बंद, क्योंकि यहां से अगर हवा जाती रहेगी तो वैक्यूम हमारा नहीं हो पाएगा। तो यहां से अच्छी तरीके से आप बंद कर दें, और आप देख रहे हैं ये सुई यहां से नीचे जाने लगी है, बहुत अच्छी तरीके से ये वैक्यूम करता है, और ये 90% 99% तो नहीं मैं कहता हूँ, 90% ये बिल्कुल सही होता है, ये वैक्यूम बिल्कुल परफेक्ट होता है। 100% तो मैं दोस्तों नहीं कहूंगा, लेकिन 90% दोस्तों ये वैक्यूम आ जाता है, बिल्कुल बेहतर तरीके से वैक्यूम हो जाता है। जिनके पास कंप्रेशन नहीं है, जिनके पास वैक्यूम पंप नहीं है, वो इस तरीके से वैक्यूम कर सकते हैं। और आप देखेंगे यहां पे हवा निकलती रहेगी, यहां पे जितनी भी हवा होगी वो यहां से निकल जाएगी इसके थ्रू, और जैसी हमारी हवा टोटल निकल जाती है तब आप इसको यहां से पंच करके यहां पे आप टाका लगाएंगे, और यहां से आपको बिल्कुल भी ये मीटर जो है यहां से बिल्कुल भी अभी आपको खोलना नहीं है, लेकिन जैसे ही आप यहां पे टाका लगाएंगे उसके बाद हम गैस डाल देते हैं इसमें। दोस्तों इसको 15 मिनट से आप 20 मिनट 25 मिनट जब तक आपका वैक्यूम ना हो तब तक आप इसको चलाते रहें। अब वैक्यूम हुआ है या नहीं हुआ है आप पहचानेंगे कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है तो आप इस तरीके से आप पहचानेंगे कैसे कि हाँ हमारा वैक्यूम हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको लेना है दोस्तों एक मग्गा, या आप एक कह लीजिए एक गिलास ले लीजिए, या कोई भी उसमें आप पानी ले लीजिए, जिससे कि आप पता लगा सके वैक्यूम हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे ही आप इस तरीके को गिलास या आप मग्गा लेंगे तो इस जो पिन है जो हमने यहाँ पे कैपलरी लगाई थी उसको आपको इस तरीके से आपको डुबाना है। तो हमारा यहाँ पे कोई भी बुलबुले हमें नहीं नजर आ रहे हैं, कोई भी बुलबुला यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर बुलबुले आएंगे तो समझ लीजिए कि आपका वैक्यूम अभी नहीं हुआ है जब तक आप इसे चलाते रहे। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे वैक्यूम करने पर हमारे बुलबुले आ ही रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, तो या तो आपकी जो सुई है जो आपका गेज मीटर है वो या तो खुला हुआ है या आपकी कहीं लीकेज है। तो लीकेज में भी दोस्तों ये बहुत बड़ा काम करता है। तो इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बुलबुले आ रहे हैं, तो ये अभी हमें यहाँ पे चलाते रहना है इस कंप्रेसर को जब तक कि यहाँ पे बुलबुले हमारे खत्म ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बुलबुले आते ही रह रहे हैं, तो जब तक हम इसको चलाते रहेंगे जब तक कि ये बुलबुले हमारे बिल्कुल खत्म ना हो जाए,
तभी उसके बाद हम इसमें गैस डालेंगे। अगर आपके ये बुलबुले आते ही रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया 90% ये बिल्कुल अच्छी तरीके से वैक्यूम करता है, लेकिन 100% तो आपको वैक्यूम पंप का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ये आपका 90% आपका बहुत अच्छी तरीके से ये काम कर लेता है। तो आप देख रहे हैं वैक्यूम हमारा अभी नहीं हुआ है, अभी हमारे बुलबुले आ ही रहे हैं, तो जब तक हम इसका वैक्यूम करना छोड़ेंगे नहीं जब तक कि ये बुलबुले हमारे खत्म ना हो जाएं। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे हमारे बुलबुले बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे टाका, इसको पंच करके यहाँ पे हम टाका लगा देंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि हमारे यहाँ से गैस ना निकले। अब यहाँ पे आप टाका लगाने के बाद अब देखेंगे मीटर को, तो मीटर भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से वैक्यूम कर चुका है, 30 से भी सुई नीचे पहुंच चुकी है, मतलब वैक्यूम बहुत बेहतर तरीके से हमारे पास हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है या वैक्यूम पंप आप खरीद नहीं सकते हैं तो इस तरीके से आप वैक्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको बहुत बेहतर तरीके से इसमें वैक्यूम करना है, ज़्यादा देर आपको कंप्रेसर चलाना है, और ध्यान रखें कोई भी आपकी सुई वगैरह, मीटर की कोई भी सुई वगैरह, जो आपका गेज मीटर है वो कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए, और बहुत अच्छी तरीके से आप जो इसकी पिने वगैरह हैं वो अच्छी तरीके से लगा लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, सिर्फ आपका एक अंगूठा लगना है दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरीके से नई नई वीडियो डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।